पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां अधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है, जिससे जिले के सभी जनपद कार्यालयों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। बाद में संयुक्त मोर्चे ने रामनगर जनपद सीईओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। ध्यान रहे कि संयुक्त मोर्चा ने 22 जुलाई से कलम बंद कर हड़ताल का ऐलान किया है। शासन स्तर से बहुत सारी प्रताड़ना हो रही है, जिससे ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग दबाव में काम कर रहा है। अभी इसके पहले हमारे एक सीओ साहब को माने की शहादत हुई, एक उपयंत्री की शहादत हुई, तो इस स्थिति पे हमारा जो प्रदेश स्तरीय संयुक्त मोर्चा है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का, तो वो निर्णय लिया है प्रदेश स्तरीय संयुक्त मोर्चा ने कि हमको 19 और 20 तारीख को सामूहिक हड़ताल सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन देना है, सामूहिक अवकाश पे रहना है, और हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो 22 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और इसके पहले 12 तारीख को इसका ज्ञापन दिया जा चुका था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में, माननीय मुख्य सचिव के नाम में, कि शायद हम लोगों की ये सुनवाई हो जाए, और सुनवाई नहीं होती तो पहले से बताया गया था कि हम लोग इसके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इन्होंने 17 संयुक्त मोर्चे ने मिलकर, 17 संगठनों ने मिलकर बनाया है मोर्चा। सबकी अपनी अपनी अलग मांगें हैं, जैसे सचिवों की मांग है कि उनका समय से वेतन मान किया जाए, रोजगार सहायकों का है कि उनको संविदा शब्द हटा करके और उनको स्थायीकरण किया जाए। इसके अलावा जो भी वेतन संबंधी विसंगतियां हैं उन मांगों को भी इन्होंने शामिल किया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी लग रहा है, इनके मांग में जो लिखा है कि अन्य विभागों की जो सेवाएं और काम हम करते रहते हैं उन विभागों के दबाव ज़्यादा ना हो और काम हम अपने विभाग का ज़्यादा सुचारू रूप से करें, तो इस दबाव को भी कम किया जाए। चाहे में तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम इसको जो है अपने जिला सीओ सर से संवाद स्थापित करके इसकी जानकारी दे देंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, तो जैसा ऊपर के कार्यालय का निर्देश होगा वैसा ही हम पालन